सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, कंडीशन के बारे में पढ़ा था कि कब हम लोग देखते बता सकते हैं उसके डिनोमिनेटर से कि जो आपको दिया है पी बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर, उसे जब डेसिमल में बदलेंगे तो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। ओके, ये पहले पढ़ चुके हैं। रिपीटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ा और लेंथ के बारे में पढ़ा, पीरियड, लेंथ ऑफ इट्स पीरियड, जो कि रिपीटिंग डेसिमल में एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, सो नाउ अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि बिना डिवीजन किए, ओके, बिना डिवीजन किए हम ये बताएं कि कितने डिजिट्स बाद, ओके, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स बाद एक नंबर टर्मिनेट करेगा। ओके, इसका मतलब कि जैसे हुआ 1/2, ओके, 0.5, तो डेसिमल के एक डिजिट बाद ये टर्मिनेट कर गया। ओके, सो ये हाँ हम लोग डिवाइड करके बता रहे हैं। ओके, लेकिन अब हम लोग कुछ हिंट्स मैं आपको दूंगा जिससे आप लोग बिना डिवाइड किए, ओके, बिना किसी लंबे प्रोसेस के थ्रू गए हुए आप बता सकते हैं कि एक पी वाई क्यू के फॉर्म में नंबर जो दिया है वो डेसिमल के कितने अंक बाद टर्मिनेट करेगा। ओके, सो ध्यान से देखिए, ये सब आसान है कि नहीं? 22/10, 326/100, अगर इसको डेसिमल में मैं बोलूं कि डेसिमल में बदलना है तो ये आसान है। कैसे? आप इसको 2.2 लिख सकते हैं, इसे आप 3.26 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि 10, 100, 1000 इससे डिवाइड करना आसान है। ठीक है, 10 से डिवाइड करना है तो यहाँ डेसिमल यहाँ पे है ना, क्योंकि कहीं नहीं दिया तो यहाँ पे मानते हैं यहाँ से, और 1 के बाद कितने 0, 10, तो ये एक लेफ्ट आ जाता है, तो यहाँ से आया यहाँ आ गया तो 2.2। ओके, सेम थिंग वैसे ही यहाँ यहाँ है डेसिमल, 1 के बाद 2 0 है तो यहाँ से 2 लेफ्ट आएंगे, 1 2, 3.26 आ गया। ओके, सो इसी फॉर्मूला का हम यूज यहाँ करते हैं कि किसी भी नंबर को 10 से, 100 से, ओके, 1000 से, 10,000 से डिवाइड करना आसान होता है। ओके, तो देखिए बिना डिवाइड किए हमें अगर बताना है कि कितने डिजिट्स बाद, डेसिमल के कितने डिजिट्स बाद हमारा नंबर टर्मिनेट करेगा, तो कैसे बताएंगे हम? उसके डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000 ऐसा कुछ बना देंगे। ओके, जैसे यहाँ देखिए दे दिया है 477/225। ठीक है, ये दे दिया क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान से समझिए, तो 477/225 पूछेगा इसमें क्वेश्चन कि बताइए कि डेसिमल के, हाँ ये बताइए कि डेसिमल के कितने डिजिट्स बाद इसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, इसे हमें नीचे वाले को 10, 100, 1000 ऐसा कुछ बनाना है, इस तो 100 से ज़्यादा है तो इसे 1000 बना सकते हैं। तो देखिए, तो अगर ये इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस चीज़ से नीचे करेंगे उस चीज़ से ऊपर भी करेंगे, तब वो क्या रहेगा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर रहेगा, और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है अपने इनिशियल रेशनल नंबर का, मतलब इसमें ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका वैल्यू, जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका वैल्यू सेम होगा। ओके, यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, ओके, सो 5 4 सर नहीं 1000 नहीं होंगे, ये हो जाएगा 5 4 0 900 होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, क्वेश्चन को भी बदल दें आसान करने के लिए। ओके, सो 215, हाँ सॉरी 215 लिखा था, तो ध्यान से देखिए 477/250। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आसान है। अब देखिए तो डिवाइड करना आसान है बिल्कुल, 1 2 3, सो 1 2 3, 1.908 लिख दिया। तो अब बताइए तो डेसिमल के कितने अंक बाद, देखिए तो डेसिमल के कितने अंक बाद, कितने डिजिट बाद टर्मिनेट कर रहा है ये नंबर? थ्री डिजिट्स 1 2 3 3 डिजिट्स, समझ में आई बात? तो इसे
चेक करने के लिए आप डिवाइड कर सकते थे कि बताइए कितने डिजिट्स बाद ये टर्मिनेट करेगा, तो डिवाइड कर सकते थे। लेकिन अब नीचे 300,000 ऐसा कुछ लाके और हम लोग तुरंत बता सकते हैं कि कितने डिजिट्स बाद वो टर्मिनेट करेगा। ओके, सो ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से। ओके, सो थैंक्स।